हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू टैरो। सो स्टार्ट करते हैं। ये सभी डेक्स मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखने के लिए, और उसके बाद हम हमेशा की तरह साइकिक टैरो से देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव। तो सबसे पहले आज मैं देखूँगी मेजर अरकाना से, मेजर अरकाना से क्या एनर्जी निकल कर आती है, फिर उसे हम क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्शन पर। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त, क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शक्ति बैलेंस करने की सोच रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग पोजीशन दिख रही है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। चैरियट कुछ डिसीजन लेने वाले हैं अपने लाइफ के, मेजर डिसीजन हो सकते हैं, बड़े डिसीजन हो सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन हो सकता है। वैसे मैं अभी सब क्लैरिफाई करूंगी। फिर हमारे पास है डेथ। आप में से कुछ लोगों के, फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, समथिंग रिलेटेड विद हेल्थ। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है बहुत बुरी तरीके से, क्लैरिफाई करूँगी मैं। दो कार्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ द मून डेविल द सन एंड द लवर्स। लवर्स के साथ डेविल तो फ्री आता है, जहाँ सोलमेट वहाँ कार्मिक का तो पढ़ना ही है पाला। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आए हैं ऐसे भयानक कार्ड्स करंट एनर्जी में, चल क्या रहा है, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस कर्मा, मैंने कहा शिव शक्ति बैलेंस कर रहे हैं, कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदतर स्थिति में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है उनके लाइफ में इस वक्त। कार्मिक सिचुएशन पीक पे है, बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप पे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जो कि वो चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। कुछ ना कुछ कर्मा आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, और उस कर्मा को फेस करते टाइम उन्हें आपकी याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। इमोशंस आर वेरी हाई, वेरी हाई। किसी मुसीबत में है ऐसा लग रहा है, लेकिन आप लोग सामने से कॉल मैसेज मत करने लगना, स्ट्रिक्टली नो, जब तक वो ना करें। जैसे आप परेशान हुए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो, जब आपने इतने कष्ट सहे हैं, कुछ न कुछ इनके साथ भी होने वाला है या हो रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ बैलेंस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद से बैलेंस करने दीजिए, यूनिवर्स के लॉ में इंटरफेयर ना करें। चैरियट क्यों आया है, आपसे ब्रेकअप करा इन्होंने, आपको धोखा दिया, आपके अलावा और लोगों के साथ बातचीत करना या थर्ड पार्टी में आपको रखना, या आपकी तकलीफ़ को ना सुनते हुए ना समझते हुए आपको ब्लॉक कर देना, रोता हुआ छोड़ के चले जाना, काफ़ी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं, आपकी फीलिंग्स की ऐसी की तैसी होना, उसके बाद अब इन्हें कुछ ना कुछ इनको फील हो रहा है,
ये चीज़ मैं पहले समझ गई थी बट क्लैरिफाई करा मैंने आपके लिए, ये चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ अभी, ये मैंने अभी बोला जस्ट कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ये इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, आपको रुलाया है, भगवान कुछ न कुछ इनके साथ ऐसी सिचुएशंस हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोल जर्नी में हैं या सोलमेट हैं या ट्विन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे को आप मिरर करते हैं। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है तो तकलीफ़ उन्हें भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने जताया नहीं, उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका ईगो आपके लव से ज़्यादा था। ठीक, इनका ईगो ही इनकी नेगेटिविटी है, इनका स्टबर्न एटीट्यूड ही इनकी नेगेटिविटी है। चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे रॉब रुतबे का घमंड हो, चाहे अपनी सुंदरता का घमंड हो, चाहे अपने ये इस चीज़ का घमंड हो कि आप इनके पीछे हो, ठीक है, वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू हो रही है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स करा रही है आपकी वैल्यू, यूनिवर्स कर रही है आपके पीठ पीछे बहुत सारे काम जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आप नहीं जान पा रहे हैं। तो वेट करिए पेशेंटली, बहुत जल्द आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ। डेथ, ये ईगो की भी डेथ हो सकती है। डेथ क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पर या तो कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, भयंकर फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी को एंड कर रहे हैं, या तो लीगली और या तो सोच रहे हैं बाहर निकलने की। कुछ लोगों के पार्टनर स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, हर सिचुएशन जो आपसे इनको दूर कर रही है उससे बाहर निकलने की सोच रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है स्टैंड लेंगे आपके लिए, तभी वापस आएंगे, बैलेंस होगी आपकी सिचुएशन। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, अब ये सब करना है तो ताकत की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्यों आया है स्ट्रेंथ? एक कार्ड सीधा महादेव के चरण में गया है, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कौन सा कार्ड है। हर हर महादेव। वाओ, न्यू बिगिनिंग, गजब का कार्ड आया है डियर। स्ट्रेंथ किस लिए चाहिए? एक टफ साइकिल एंड करके, डेथ एक टफ साइकिल एंड करके, एक जर्नी एंड करके कार्मिक की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत मेजर कार्ड है ये, दोनों मेजर अरकाना है, सीधा महादेव के चरण में गया है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म होगा और आपके साथ नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी। हर हर महादेव। लास्ट कार्ड द मून, क्यों आया है द मून? टू ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट मैं लूँगी क्योंकि काफ़ी कुछ वो बताना चाहते हैं, क्योंकि एक आदमी ये रीडिंग नहीं देख रहा है, बहुत सारे लोग देखते हैं। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर। पहली बात तो दो दो क्वीन आई हैं, मतलब कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप इसे फीमेल के अकॉर्डिंगली मत लीजिए, यहाँ थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली लीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो भी हो, इन्हें पछतावा हो रहा है अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, इन्होंने आपको किसी भी हिसाब से, चाहे अपने ईगो के चलते, चाहे अपने बिहेवियर के चलते, चाहे थर्ड पार्टी के चलते, चाहे वर्कोलिक होने के चलते, किसी भी वे में अगर आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, तो इन्हें उस चीज़ का एहसास भगवान की तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से बाकायदे दिलाया जा रहा है। हर सिचुएशन 24/7 इनको आपके बारे में याद आ रही है, इन्होंने क्या क्या किया, क्यों क्यों किया, किस लिए किया, क्यों आपको इतनी तकलीफ़ दी, आपकी गलती क्या थी, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, आपने इन्हें गाली खाकर भी प्यार किया, आपने इन्हें थप्पड़ खाकर भी प्यार किया, आपने इनके लिए सब कुछ किया जो आप किसी और के लिए नहीं कर सकते हो। किसी और की मजाल नहीं है कि आपको एक शब्द बोल दे, बट आपने इनका हर कुछ सुना है जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, बट फिर भी आपने सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि आप जागृत थे, आपको ज्ञान था, आपको पता था, या एक एहसास था कि नहीं, आप कनेक्टेड हो सोल से। अब इन्हें वो एहसास होने वाला है और इनको ये एहसास हो रहा है,
ज़्यादातर लोगों को, और उस एहसास के चलते किसी तरह के ब्रेक थ्रूज आए हैं इनके लाइफ में या आने वाले हैं बहुत जल्द। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आपके पार्टनर्स के लाइफ में आएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए आपके पार्टनर। देखिए द मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मैंने सबसे पहला कार्ड भी यही बताया था और सबसे आखिरी कार्ड भी यही आया है। होप कि मैंने क्लैरिफाई किया होगा। लेट्स चेक आपके लिए एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जस्टिस, द फूल, शॉकिंग। जस्टिस पहले भी आया था कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ बॉटम की एनर्जी सेम आई है, जस्टिस विद द फूल। तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो ये है बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स चेक कि और कार्ड्स क्या मिले हैं हमें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको लेकर क्या क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर तो पहली बात बहुत दुखी हैं आपको लेकर। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। एक तरह से जैसे आप रोते थे वैसे वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके मन में, बहुत ज़्यादा पछतावा है। कितना आपसे भागे हैं, कितना आपको तकलीफ़ दिए हैं, कितना आपसे लड़ाई किए हैं, एक एक चीज़, कितना बुरा बिहेवियर आपके साथ इन्होंने किया है, एक एक चीज़ इन्हें याद आ रही है आपको लेकर। और इस वजह से ये अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं, हर्मिट मोड में है। हर्मिट मोड का मतलब होता है कि अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना, स्पिरिचुअली अवेकन होना, इन्हें एहसास होना, अपने अंदर झांकना कि इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, और उस वजह से ही ये आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी आपके लाइफ में, ये आपकी तरफ वापस आने की सोच रहे हैं। अपने इमोशंस आपको बकायदे एक्सप्लेन करेंगे जब ये आएंगे, और आप में से कई लोगों के पार्टनर द हेरोफेंट शादी करेंगे आपसे, कमिटमेंट देंगे आपको, मैरिज का कमिटमेंट, केयर फ्री होके, किसी का डर नहीं है अभी ने, क्लियरली दिख रहा है केयर फ्री होके ये आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। नाउ लेट्स चेक कि क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें क्या एक्शन होने वाला है, कितने दिन के अंदर क्या एक्शन होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन होने वाला है। फर्स्ट कार्ड आया है अथॉरिटी, सेकंड कार्ड आया है नंबर फाइव, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, बेस चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक है सेक्रीफाइस, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। बेस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा तीनों ब्लॉक है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैरिड हैं या फैमिली है तो फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हैं। थर्ड आई चक्रा, अपने दिमाग का पूरा फुल यूज़ करने वाले हैं, क्या इन्होंने क्या क्या किया सब इनके आगे घूमेगा। बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत ट्रैप्ड फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे इन्हें किसी जेल में कैद कर दिया गया है, उस तरह की एनर्जी इनकी दिख रही है। उस सिचुएशन से पावर में आके अथॉरिटी अपने हाथ में लेने वाले हैं, आपको मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। स्टैंड योर ग्राउंड,
अपनी पावर का फुल यूज़ करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जिसकी भी वजह से आपको सेक्रीफाइस किया था, वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलकर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है। थर्ड पार्टी, ब्रेकअप, टावर, द हेरोफेंट। अगर ये मैरिड हैं या थर्ड पार्टी इनकी शादी कराना चाह रही है, अगर पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से ब्रेक थ्रू आ सकता है। स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं इन सब सिचुएशंस के ऑपोजिट में। एंड द फूल अगेन, न्यू बिगिनिंग, यही कार्ड महादेव के चरण में गया था। ये सब सिचुएशन अगर आपके पार्टनर झेल रहे हैं तो यहाँ से बाहर निकलेंगे और नई शुरुआत करेंगे। सो पॉजिटिव रहें बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ना करें, कुछ नहीं होगा, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, दिन भर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट ना करें। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 5 नंबर आया है आज, तो 5 आवर्स, 5 डेज या 5 वीक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रिटर्न आएंगे, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आ रहा है। फिर हमारे पास है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सक्सेस, नो नीड टू वरी, डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं अपने लाइफ में, अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कम्युनिकेशन करते रहिए। अगर बातचीत हो रही है तो, बातचीत नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, सक्सेस आपको मिलनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। नाउ लेट्स चेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। सो स्टार्ट करते हैं, 2 कार्ड्स गिर गए हैं तो देख लेते हैं क्या गिरा है। यू आर माई वर्ल्ड, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं। आई एडोर यू सो मच, आपकी बहुत केयर करते हैं आपके पार्टनर्स और आप उनकी। ट्रैप्ड इन फियर, किसी तरह के सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, वहाँ से निकलेंगे बहुत जल्द। बेस्ट फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है बेस्ट फ्रेंड्स रहे हों। एंजल नंबर 12, अगर आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं तो तुरंत से अपने माइंड को नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से बाहर निकालें। यू आर माई वर्ड अगेन, 2 बार आया है डियर। लॉस, हो सकता है कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हों, बहुत ज़्यादा टेंशन है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप में से कई लोगों के पार्टनर्स अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, अगर कार्मिक के साथ थे तो। फिर हमारे पास है लाइफ पर्पस, आप में से कई लोग हो सकता है अपने लाइफ पर्पस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों, इस समय अपना पूरा माइंड अपने लाइफ पर्पस पे लगाया है आपने। ट्रस्ट इशूज़, हो सकता है ट्रस्ट इशूज़ की वजह से कुछ लोगों में ब्रेकअप हुई हो या नो कॉन्टैक्ट हुई हो। चीटिंग, डेफिनेटली ट्रस्ट इशूज़ मतलब चीटिंग ही होता है। नेक्स्ट, ब्लेस्ड, आप में से काफ़ी लोग ब्लेस्ड हैं कि वो सोल जर्नी में हैं, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। ड्रीम के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, अपने ड्रीम्स पर बहुत कंसंट्रेट करें, घोड़ा बेच के ना सोएं। मार्च आप में से कुछ लोगों के लिए किसी वे से हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइडेंस देती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।